वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टोटल सॉल्यूशन मिलान। दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ एक अनोखा वीडियो जो कि एक टॉर्च मेटल टॉर्च लाइट के ऊपर है। तो दोस्तों ये वाला जो टॉर्च लाइट है ये डेड है पूरा। तो ये टॉर्च लाइट है दोस्तों, इसका जो नाम है पुलिस टॉर्च, ठीक है। तो दोस्तों ये आर्मी या पुलिस में जो काम करता है वो लोग के लिए मिलता है, तो वो लोग इसको यूज़ करता है। इसमें तीन तरह का ऑप्शन होता है दोस्तों, एक ब्लिंक लाइट का भी ऑप्शन होता है, एक लो लाइट और एक हाई लाइट का ऑप्शन होता है। तो दोस्तों ये वाला टॉर्च लाइट जो है ख़राब है, तो एक रिटायर्ड जो आर्मी ऑफिसर है उसी से मिला टॉर्च, तो ये टॉर्च लाइट ख़राब हो गया। तो इसको चलिए देखते कैसे रिपेयर करते, तो चलिए देख लेते इसको रिपेयर करना भी सीख लेते। तो दोस्तों ये टॉर्च लाइट मैंने पहले भी एक बार रिपेयर किया था ऐसा ही का टॉर्च लाइट, तो ये दूसरी बार मेरे पास आया है। तो दोस्तों इसका जो प्रॉब्लम है ये डेड है। तो देखिए इधर थोड़ा सल्फर जमा हुआ है, जंग आ गया है, हो सकता है ये भी इसके एक कारण है। तो इसको भी हम थोड़ा घिस लेंगे और स्टेप बाय स्टेप हम इसको चेक करेंगे पूरा खोल के। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों चलिए इसको हम खोल लेते। तो देखिए ऊपर वाला जो हिस्सा है हमने तो खोल लिया, उसके बाद ये वाला छोटा सा एक सॉकेट है उसको भी खोल लेंगे। उसके अंदर जो बैटरी है इसको भी हम निकाल लेंगे बाहर। तो बैटरी ज़्यादा बड़ा नहीं है दोस्तों, मीडियम साइज का है। तो देखिए बैटरी के पिछले हिस्से में थोड़ा हमको रस्ट जैसा दिख रहा है, और ये पिन में भी बैक साइड वाला, तो इसके भी कारण हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो इसको पूरा हम खोलेंगे, खोलने के बाद ही पता चलेगा। तो हमको लगता है इसका जो चार्जिंग सेक्शन है उसी में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये चार्ज नहीं हो रहा है और चार्ज में डालने के बाद भी एलईडी ग्लो नहीं कर रहा है। तो दोस्तों ट्वीज़र के मदद से इसको हम खोल लेंगे। तो देखिए ऊपर वाला जो पेच है उसको हम ट्वीज़र के मदद से खोल लिया है, और ऊपर वाला पेच खोलने के बाद और एक हिस्सा है दोस्तों इसके अंदर, तो उसको हम आहिस्ता पीछे से पुश करेंगे स्विच को दबा के, तो बाहर निकल आएगा। तो देखिए ढांचा पूरा खाली हो गया। तो ये वाला जो सॉकेट है इसके अंदर ही चार्जिंग सेक्शन है दोस्तों। तो देखिए चार्जिंग वाला जो कनेक्टर है उसका पिन में भी थोड़ा जंग है जो ग्राउंड के साथ लगा रहता है। तो इसको खोल के हम थिनर से अच्छे से इसको साफ करेंगे और क्लीन भी करेंगे, तो उसके बाद ही इसको चार्जर में लगा के इसका वोल्टेज नापेंगे, उसके बाद ही इसको सेट करेंगे, क्या प्रॉब्लम तभी जाके पता चलेगा। तो थोड़ा मैं साफ कर लेता इसको। तो दोस्तों अगर मेरा चैनल का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दीजिए, सबसे पहले मेरा जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिलने के लिए। तो दोस्तों मेरा चैनल का प्लेलिस्ट में जाके आप ढेर सारा वीडियो है 180 से ऊपर, तो वो वीडियो आप लोग देख सकते हो और उसका लाभ उठा सकते हो। दोस्तों कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा, आप टेक्नीशियन हो या नॉन टेक्नीशियन हो। तो क्योंकि मैं जो वीडियो डालता हूँ दोस्तों उसका लाइव ही वीडियो करके डालता हूँ दोस्तों, उसमें कोई भी फेक नहीं रहता है। और किसी किसी भाई को समझ में नहीं आता है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमको बताइए। और दोस्तों जो बंदा लोग हमको डिसलाइक करता है तो वो भी हमको थोड़ा बता देना कि किस कारण आप हमको डिसलाइक कर रहे हो, तो मेरा गलती जो है वो हम सुधारने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आप लोग डिसलाइक तो करते हो, हमको पता नहीं चलता है किस कारण आपने डिसलाइक किया है, तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमको बताइए, तो हमारा जो गलती है वो हम सुधारने की कोशिश करेंगे।
और आप लोग तो हमसे ज़्यादा समझदार हो दोस्तों बाकी। तो चलिए, इसका जो बैटरी का वोल्टेज है दोस्तों 1.11 वोल्टेज दिखा रहा है, मतलब इसका जो बैटरी का चार्ज है वो थोड़ा कम है। इसमें तो जो है लाइट वो ग्लो नहीं करेगा, तो इसको चार्ज करने के बाद ही ग्लो करेगा। तो हमको पता चल गया दोस्तों बैटरी का वोल्टेज इतना कम है, इसी कारण ये ग्लो नहीं कर रहा है। और बैटरी का जो वोल्टेज है वो कम इसलिए है क्योंकि ये वाला टॉर्च जो है वो चार्ज नहीं हो रहा है। तो इसका जो चार्जिंग कनेक्टर हमने साफ कर लिया, अभी इसको सेट करेंगे हम इस सॉकेट के साथ जो वाला सॉकेट टॉर्च के अंदर रहता है दोस्तों। तो चलिए इसको हम सेट कर लेते, और इसका दोनों तरफ जो पिन है उसको भी हम सेट कर लेंगे। जहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ है वो दोस्तों पॉजिटिव वाला पिन है, और पिछले हिस्से में भी वो भी पॉजिटिव वाला पिन है। सिर्फ जो चार्जिंग का सॉकेट है उसका जो पिन है जो साइड से निकलता हुआ बाहर वो नेगेटिव वाला है। तो दोस्तों इस सॉकेट को अंदर डालने में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, तो इसको आप थोड़ा स्विच को ऊपर खींच के इसको डालेंगे तो ये अंदर चला जाएगा। अगर इसमें आप लोगों को प्रॉब्लम आता है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम थोड़ा इसका आसान तरीका भी बता देंगे कि कैसे इस सॉकेट को अंदर डाल के सेट करना है। उसका भी अच्छा सॉल्यूशन है मेरे पास, अगर ऐसे नहीं सेट होता है तो हम वो वाला ट्रिक्स यूज़ करते हैं। तो दोस्तों चलिए, इसका जो ऊपर वाला पैच है वो भी हमने लगा दिया है। तो अभी इसका जो पिछले हिस्से का स्प्रिंग है वो हम देख लेते हैं ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो दोस्तों ठीक है, वो ठीक से काम कर रहा है। तो अभी इसके अंदर बैटरी को डालेंगे, डालने के बाद पिछले हिस्से में जो इसका पैच है उसको भी हम टाइट कर देंगे दोस्तों, और उसके बाद मल्टीमीटर के मदद से इसका जो वोल्टेज है वो नाप के देखेंगे कि ऊपर एलईडी में इसका वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि यहीं पे एलईडी सेट होगा दोस्तों। तो देखिए अभी तक वोल्टेज नहीं आया, तो स्विच को दबाएंगे तो स्विच सही रहेगा तो वोल्टेज आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों 1.12 वोल्ट आया है, तो मतलब इसका स्विच भी सही है और इसका जो कनेक्शन है वो भी सही हो गया अभी। तो इसके अंदर अभी हम लाइट को डाल के देखते जल रहा है कि नहीं जल रहा है। तो देखिए ये वाला लाइट अभी ग्लो नहीं कर रहा है क्योंकि इसमें 1.12 वोल्ट है। तो अभी जब हम चार्जर को डालेंगे चार्ज भी होगा और इसका एलईडी डालने से भी ग्लो करेगा। तो देखिए अभी 2.68 समथिंग वोल्टेज आ गया, तभी एलईडी ग्लो करना चाहिए। तो देखिए ये वाला एलईडी जो है अभी ग्लो कर रहा है। इसका जो अंदर स्प्रिंग है, दोनों स्प्रिंग, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव का। तो अभी जो ऊपर वाला सॉकेट है इसको हम पैच को कस देंगे दोस्तों सही से, कौन सा वाला लगेगा। तो इसको अच्छे से हम टाइट भी कर लेंगे। तो चलिए इसको टाइट कर लिया है, अभी इसका ऊपर जो है ये एलईडी वाला हिस्सा को डालेंगे। तो देखिए ये ब्लिंक भी कर रहा है, जो मैंने पहले बोला था इसका तीन ऑप्शन है लाइट ग्लो करने का, एक लो, एक हाई और एक ब्लिंकिंग वाला ऑप्शन। तो अभी जो ऊपर का मुंडी है टॉर्च का ये भी हम लगा देंगे, तो अभी कनेक्शन सही होगा तो एलईडी ग्लो करेगा। देखो दोस्तों अगर सही नहीं रहेगा तो एलईडी ग्लो नहीं करेगा। तो देखिए दोस्तों इसका एलईडी ग्लो करने लगा, मतलब मेरा जो टॉर्च लाइट है उसका कनेक्शन अभी सही है। तो अभी देखना पड़ेगा इसका बैटरी अभी सही है कि नहीं है, इसी कारण थोड़ा देर हमको चार्ज में लगाना पड़ेगा, तो उसके बाद ही पता चलेगा। तो देखिए इसका रोशनी भी बहुत बढ़िया होता है दोस्तों, देखिए ये वाला जो रोशनी है। तो अभी तो चार्जर में लगा हुआ है, बैटरी भी चार्ज हो रहा है, तो थोड़ा सा टाइम हम इसको चार्ज में रखेंगे। तो रखने के बाद चार्जर को खोल के हम इसको फिर से टॉर्च को स्विच दबा के देखेंगे इसका जो कनेक्शन है वो सब सही है, तब जाके पता चलेगा कि टॉर्च पूरा
एकदम से सही हो गया। तो दोस्तों ये वाला जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, जो इस तरह का टॉर्च रिपेयर करना चाहते हो। बहुत ही आसान है, अगर आप लोग दो एक बार ट्राई कर लेते हो तो बहुत ही आसानी से आप लोगों को आ जाएगा ये रिपेयर करना। तो देखिए बहुत टाइम मैंने टॉर्च को चार्जर में डाल दिया है, अब तो कुछ रोशनी आना चाहिए। हम चार्जर को खोल लेते हैं तो देखिए दोस्तों इसमें बैटरी चार्ज हो रहा है और रोशनी भी आ रहा है, लेकिन थोड़ा कम आ रहा है, अभी भी पूरा चार्ज नहीं हुआ है। तो दोस्तों ओके, थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।